हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6C डॉक्टर मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी है में कोण बीसीए 90 अंश। ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बीसीए 90 अंश है। बिंदु बी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बिंदु क्यू भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर बराबर 4ac² माइनस 3ac² एबी एक्यू यानी कि यहां से ही मिलाना होगा, फिर एसी इन्हीं तीनों से काम है। तो क्या करें, इसको हम मिला देते हैं। ज्ञात हमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए बराबर 90 अंश ये दिया हुआ है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 4aq² माइनस 3ac² रचना में जो BC का मध्य बिंदु Q है उसको A से मिलाया, Q को A से मिलाया ये हो गया। अब उत्पत्ति में देखिए, दो समकोण त्रिभुज मुझे मिले, एक ACB और एक ACQ। तो दोनों त्रिभुजों को अलग अलग यूज करेंगे, तो दो त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ए सी क्यू में। ए बी सी मिलेंगे तो ये समकोण, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर एक, ए बी स्क्वायर तो मिल गया हमको, एसी भी है लेकिन बीसी मेरे जरूरत की नहीं है। तो बीसी को हम क्या करें ना, बीसी देखिए क्यूसी का दुगुना है या ऐसे करते हैं, इसमें त्रिभुज इसको भी लेंगे तो ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर दो, इसमें से इसको हम घटा दे रहे हैं तो 1-2 से घटा दिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर बराबर, इसको लिखते पहले ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, ये कट गया और इसको उधर भेज दें, ए बी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू AQ तो हमको मिला लेकिन यहां पर चार है, यहां पर एक ही है, तो चार कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा यहां पर लिखते हैं 4aq²
माइनस थ्री ए क्यू स्क्वायर, ठीक है, घटा देंगे तो ए क्यू आ जाएगा, और प्लस बी सी को हम टू सी क्यू लिख रहे हैं, प्लस बी सी को टू सी क्यू, क्योंकि क्यू जो है बी सी का मध्यबिंदु है, टू सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, यहां लिख देंगे, चूंकि बी क्यू बराबर सी क्यू। तो अब क्या हो गया, ये फोर ए क्यू स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ ठीक, ए क्यू स्क्वायर प्लस फोर सी क्यू स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, ये घट जाएगा, फोर ए क्यू स्क्वायर माइनस थ्री ए क्यू स्क्वायर प्लस थ्री सी क्यू स्क्वायर, फोर ए क्यू स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, ए क्यू स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। अब ए क्यू स्क्वायर में से सी क्यू स्क्वायर जब घटाएंगे तो ए सी स्क्वायर बचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा बराबर फोर ए क्यू स्क्वायर माइनस थ्री ए सी स्क्वायर, और इधर है ए बी स्क्वायर। प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 19, इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। दी हुई आकृति में, यानी इसकी बात कर रहा है, दी हुई आकृति में त्रिभुज एबीसी के अंदर स्थित कोई बिंदु क्यू ओ है, सॉरी ओ है, ओ है, ओ है, तथा ओडी ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, OD perpendicular to BC, OD BC पर लंबवत है, OE AC पर लंबवत है, OE AC पर लंबवत है, और OF AB पर लंबवत है, तो दर्शाइए कि, दो पार्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट यहां मैं नोट किया हूं, सेकेंड पार्ट इसके बाद हम लोग नोट करेंगे, उसको करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, लेकिन देखिए ओ ए स्क्वायर, अगर कहीं ओ ए स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब ओ को ए से मिलाना होगा, है ना, तो ओ ए स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए ओ ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, यानी अगर इसको हम इसे करते हैं, सॉरी चलिए पहले मिलाते हैं तो फिर उसके बाद उसमें क्लियर हो जाएगा, ये हमने खींच दिया। अब हमको देखिए ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है तो समकोण ए ई ओ या ए ओ ई समकोण त्रिभुज बनेगा, इसी तरह से सममित, इसी तरह से सममित जो है ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ओ ए स्क्वायर बराबर होगा ओ ई स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर, इधर से ले लेते हैं ओ एफ स्क्वायर, अच्छा इधर से ले लेते हैं ए एफ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर यहां है, तो ऐसा करते हैं संपूर्ण त्रिभुज ए ओ एफ, संपूर्ण त्रिभुज ओ ए एफ त्रिभुज ओ बी स्क्वायर के साथ है बी डी स्क्वायर, और बी डी है तो ओ डी, तो त्रिभुज ओ बी ओ डी तथा त्रिभुज ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर के साथ सी एफ है ना,
कोई मिस्टेक लिखा हुआ है, तथा सीओई में देखिए ओ ए एफ में, ओ ए एफ में करेंगे तो ए ओ स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, या ऐसा करें इसको ओ एफ को जला दे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। बीओडी में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर को इधर ला दे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। और इसमें सी ओ ई में, सी ओ ई में तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सॉरी इसको पक्षांतर करेंगे ना, इसको ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर, समीकरण नंबर तीन। और देखिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर सी ई स्क्वायर, तीनों है तो जोड़ेंगे तब मिलेगा, तो वन प्लस टू प्लस थ्री से। इधर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब माइनस माइनस वाले को एक साथ रख दो, प्लस प्लस वाले को एक साथ, तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए ओ बी ओ सी प्लस, और फिर माइनस वाला ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, अच्छा पहले ओ डी फिर ओ ई, ओ ई माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सिर्फ समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है पाइथागोरस प्रमेय वाला, बस अपने आप निकलता जाएगा। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी सॉरी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, गलत लिख रहे हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अच्छा यही है क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या लाना है, बराबर लाना है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर सी एफ सी डी स्क्वायर, वो गलत लिखता है, और ये बी एफ है। ए ई सी डी बी एफ, ठीक है। अच्छा अब इसको ले लेते हैं
इसको ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। अच्छा ये हम जो प्रूफ किया है ना इसी को लेंगे, ये तो बराबर है ही। देखिए बैक से ओ ए स्क्वायर, ये जो आया है ओ ए स्क्वायर माइनस, इसके साथ हम इसको ले ले रहे हैं, ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर घटा देंगे तो ए ओ ए ई स्क्वायर मिल जाएगा जो कि ये, तो ओ ए स्क्वायर में ओ ई स्क्वायर घटा रहे हैं प्लस ओ बी स्क्वायर के साथ क्या लाना है हमको, सी डी स्क्वायर ना, सी डी बी एफ, बी एफ लाना है, तो ओ बी स्क्वायर के साथ हम ओ एफ स्क्वायर को ले रहे हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर एक साथ प्लस प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस क्या बचा है, ओडी बचा है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर और बराबर में, बराबर में एक क्या है बराबर में इतना आया था ना ए एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। देखिए इतना के इसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिए हैं, इतने के बराबर इतना है तो इसीलिए इसके बराबर इतना हम लिख दिए हैं, ये चीज। अब ये देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर करेंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई यानी कर्ण में से आधार कवर घटा देंगे, कर्ण के बराबर में से तो लंब कवर बचेगा यानी कि हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इस कर्ण के वर्ग में से ये लंब कवर घटेगा तो ये बी एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये तो सी डी स्क्वायर। OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर तो CD स्क्वायर, CD स्क्वायर ये बराबर ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह जैसे क्वेश्चन दिया वैसे कर ले, AF के बाद BD है ना, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ए ई सी डी बी एफ, पहले ऐसे लिखते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, एक प्रूफ करना था बस इसी का हेल्प लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट, देखिए थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट करना भी है और एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि ये जो पूछा है, ये जो पूछा है उसको हम किस तरह से लाएं, किस तरह से उसको लाया जाए उसी के बारे में एडजस्ट करना है और बाकी सब अपने आप आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी के कर्ण एबी पर, कर्ण एबी कह रहा है इसका मतलब कि एबीसी समकोण है और कर्ण एबी है इसका मतलब कि वह त्रिभुज सी पर समकोण है, सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए हमने यहां पर बना दिया एबी कर्ण हो जाए, कर्ण ए बी पर इसी पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी बनाया गया है,
देखिए दूसरा त्रिभुज एबीडी बनाया गया है, ए हमने इसको कर्ण ले लिया है, एक भुजा हो गई, और त्रिभुज बनाना है वो भी समकोण है, इसका मतलब कि जो दूसरी भुजा बनाएंगे और जो कोण निर्मित होगा वह कोण 90 डिग्री का होगा, यानी यह कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए भी, यह कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए भी। अच्छा, इस इन सबके माप दिए हुए हैं, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, AD बराबर 2 सेंटीमीटर और BD बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर लिख लीजिए BC बराबर 1 सेंटीमीटर, ये सोल्यूशन में होगा, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2 सेंटीमीटर। देखिए ये चीज मैं जो लिख रहा हूं ना, आप देख रहे होंगे कि यार यहीं पे तो लिखा है, तो क्यों लिखने की क्या जरूरत है, ये चीज जो लिखा हुआ ये तो पेपर में रहता है, पेपर में नहीं लिखा रहेगा, ये तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूं तो सामने दिख रहा है कि अरे यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन आदत में कैसे आएगा, जो चीज दिया हुआ उसको ऐसे आप लिखिए, लिखा तो यहाँ भी है ना, तो ये चीज ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या, बीडी नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क, इससे आप क्वेश्चन को पूरा समराइज कर देते हैं। चलिए अब इससे हल करते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ए सी बी है और एक समकोण त्रिभुज है ए डी बी, बी डी का मान निकालना है, ए डी दिया हुआ है, अगर ये पता हो जाता, अगर ये पता हो जाता तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग स्क्वायर को घटा देते और उसका अंडर रूट निकाल लेते तो ये मान निकल जाता। अभी ये कैसे निकलेगा, देखिए ये त्रिभुज ए सी बी के लिए ये कर्ण है, तो इसका वर्ग करके जोड़ दें और स्क्वायर रूट निकाल दें तो ये ए भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी 6 का वर्ग प्लस ए सी 1 का स्क्वायर 36 प्लस 1, यानी ए बी बराबर हो जाएगा रूट 37, ये अंडर रूट में 37 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मान, अब यह जो ए बी है इस त्रिभुज के लिए भी कर्ण का काम करेगा, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दें और उसका अंडर रूट निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें, ये मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी, अच्छा ऐसा करते हैं ना, यहां पर हम ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो ये हो गया 37 माइनस ए डी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो हो गया 37 माइनस 4, तो बी डी स्क्वायर बराबर 33, तो बी डी बराबर जो ज्ञात करना है वो रूट में 33 हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, खंभा है तार का खंभा है, पोल जिसको बोलते हैं, एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ऊपरी सिरे में जहां बांधते हैं तार को, तथा तार का दूसरा सिरा दूसरे खूंटे से जुड़ा हुआ है नीचे जमीन पर,
खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार, देखिए उसमें बना रहे लिखा है लेकिन होना चाहिए था तना रहे, टाइट रहे, ये तार एकदम टाइट रहे ताकि खंभा के गिरने का डर न रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दिया हुआ है। देखिए ये जमीन है, ये खंभा है ना, ये खंभा है और ये जमीन है, तो जमीन और खंभे के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि यहां पर जो एबीसी त्रिभुज बना, अच्छा ये तार है, तार जो है संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण का काम करेगा, तिरछा है तो कर्ण का काम करेगा, तो क्या कहते हैं त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, पहले ए सी बराबर 24 मीटर, ए बी जो कि खंभे की लंबाई है ए बी बराबर 18 मीटर, और खंभे के आधार से खूंटा कितने दूर पर रहेगा वो नहीं पता है, तो बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, मान लेते हैं खूंटा सी बिंदु पर गड़ा हुआ है, यहां पर लिख देंगे माना खूंटा बिंदु सी पर गड़ा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये देखिए मैं लिखा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, एसी 24 का स्क्वायर बराबर एबी 18 का स्क्वायर प्लस बीसी नहीं पता, ये हो जाएगा इसका वर्ग 576। देखिए मैं मुझे याद है, मैं लिख दिया इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कम से कम 25 तक याद कर लीजिए, ये 324 प्लस बीसी स्क्वायर या स्क्वायर होगा, इसको इधर ला दें तो 576 माइनस 324 बराबर बीसी स्क्वायर, या बीसी स्क्वायर बराबर कितना होगा 252, तो बीसी बराबर 252 स्क्वायर रूट में आएगा 252, तो इसको कर देंगे 6 × 6 × 7 36 × 7 करेंगे तो 6 बाहर और 7 अंदर, बीसी बराबर ये मीटर में है ना मीटर, यानी कि खूंटा जो है खंभे के आधार से 6√7 मीटर दूरी पर होगा, इसको दशमलव में बदलने की जरूरत, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं, जब तक न कहा जाए दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, अच्छा हम पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा होता है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, एक हवाई अड्डा है, मान लिया कि वो हवाई अड्डा ए है, ए से एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में उड़ता है, उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, इसी हवाई अड्डे से उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर उड़ता है, एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल दिया है समय दिया है, दूरी पूछ रहा है कि दोनों एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटे बाद या 3/2 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमको करना क्या होगा, हमको ये निकालना होगा कि 1.5 घंटे में ए ए से जो
उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवाई जहाज उड़ा, डेढ़ घंटे में कितनी दूर गया वो दूरी पता हो जाएगी ए बी। फिर डेढ़ घंटे में ए से पश्चिम की ओर जो जहाज उड़ा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, डेढ़ घंटे में वो कितनी दूर गया, मान लेते हैं सी बिंदु पर गया, यानी एसी, एसी दूरी पता हो जाएगी। तो जब एसी पता हो जाएगा, ए बी पता हो जाएगा, तो ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी कर्णवत होगी, कर्ण होगा, तो इसका वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन हमको पहले दूरी निकालनी होगी कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ने वाले जहाज द्वारा डेढ़ घंटे में, यानी एक सही एक बटे दो घंटे में चली गई दूरी, यहां लिखेंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर एक सही एक बटे दो यानी कि 3/2 घंटे में चली गई दूरी। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय से निकालेंगे तो चाल कितना 1000, समय 3/2 घंटा, काट देंगे कितना हो गया 1500 किलोमीटर वो चल गया। ये जो उत्तर की ओर उड़ा था वो डेढ़ घंटे में 1500 किलोमीटर चल गया। इसी प्रकार से निकाले 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर और एक सही 1/2 बराबर 3/2 घंटे में चली गई दूरी बराबर 1200 है ना, चाल 1200 और गुणे समय 3/2 काट देंगे, यानी कि ये चल गया 1800 किलोमीटर। ये कितना आ गया, ये 1500 किलोमीटर हो गया और ये 1800 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो अब बीसी स्क्वायर त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये कितना है एसी 1800 प्लस 1500, ये हो जाएगा 3000 प्लस 225 पर 40, तो जोड़ देंगे 5 4 9 2 2 4 3 5 5 49, तो बीसी बराबर अंडर रूट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 361 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी जिसका सी समकोण है, जिसका कोण जिसका कोण सी समकोण है, जिसकी भुजाएं
सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी, डी मतलब सी ए पर है और ई सी बी पर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अभी जो दिया हुआ है उसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी समकोण है, त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर समकोण है और सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, ये दिया हुआ है। इतना तो दिया है, हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई स्थित है, ठीक है, ये हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। रचना हमने इसमें रचना भी लिखा है, रचना का मतलब ये, देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए ई, ये हम सी इसलिए हम कह रहे थे कहां प्लस हो रहा है कहां प्लस हो रहा है, ये इस पर ले लेते हैं ई, क्योंकि सी ए और सी बी पर, तो सी ए और सी बी ये ना होगा। हाँ तो रचना की बात हो रही थी, रचना में देखिए हमको लाना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए ई कब मिलेगा, जब हम ए को ई से मिलाएंगे, और बी डी कब मिलेगा, जब हम बी को डी से मिलाएंगे तभी मिलेगा। तो हम रचना करने जा रहे हैं ए को ई तथा बी को डी से मिलाया, रचना कर देते फिर दिखा, ये हो गया रचना। रचना में क्या लिखेंगे, ए को ई तथा बी को डी से मिलाया, ए को ई तथा बी को डी से मिलाया, अभी थोड़ी सी रचना है इसी में जगह छोड़ दिया हूं, अभी लिखना है, कब कब लिखेंगे जब हम उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी लिख देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। उपपत्ति में हमको देखिए ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर तब मिलेगा जब हम त्रिभुज ए सी ई में ले और ए कर्ण हो जाए, तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और दूसरा बी डी स्क्वायर बी सी डी में बी डी स्क्वायर बराबर बी डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो क्या 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 क्या, क्या? त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई तथा त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम ए सी ई में लेते हैं तो ए ई स्क्वायर बराबर, ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, समीकरण नंबर एक, एक मुझे मिला। बी डी के लिए क्या करें, इसमें बी डी स्क्वायर बराबर इस वाले त्रिभुज में बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण नंबर दो, चूंकि यहां पे प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे वन प्लस टू से ए ई स्क्वायर। अभी हम इधर ध्यान नहीं देंगे कि क्या आ रहा है, अभी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लें इस साइड में क्या उसको देखें, फिर उसके बाद उधर वाला अपने आप आएगा, अपने आप क्या मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा उसमें। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर
ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस इसका मान डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए इधर का तो मेरा काम हो गया, अब इधर लाना है हमको ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। डी ई स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम D को E से मिला दें तो हमको डी सी ई एक समकोण त्रिभुज मिलेगा और उससे डी ई स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इसीलिए हमने रचना में कहा था कि थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, D को E से मिलाया तथा D को E से भी मिलाया, ये हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर कब होगा, ए बी स्क्वायर का मतलब होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मेरे पास है, और डी ई स्क्वायर कब आएगा, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हमको मिल जाए। तो देखिए क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ लिख दें प्लस सी ई स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर। तो क्या क्या हो जाएगा हमको, यहाँ क्या क्या मिलेगा, मिलेगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, इधर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।